नमस्कार डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। 6 जनवरी 2024 भारत के इतिहास में इस तारीख को हमेशा याद रखा जाएगा। इस दिन शाम के करीब 4 बजे भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 ने अपने लक्ष्य पर पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली थी। बता दें कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने आदित्य L1 को कमांड देकर इसे लैग्रेंज पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट पर पहुंचाकर इतिहास रच दिया। यानी आदित्य L1 अंतरिक्ष में उस स्थान पर पहुंच गया जहां से वह लगातार सूर्य को देख सकेगा। इस मिशन की शुरुआत 2 सितंबर 2023 को हुई, जब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सूर्ययान आदित्य L1 लॉन्च किया गया था। पूरे 4 महीने के बाद बीते शनिवार ये स्पेसशिप अपने आखिरी और बेहद जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरा। इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसरो समेत पूरे देशवासियों को इसकी बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत ने एक और माइलस्टोन हासिल कर लिया है। भारत की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। यह सबसे जटिल अंतरिक्ष मिशनों में से एक को सरकार और साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण ही है। मैं देशवासियों के साथ इस असाधारण उपलब्धि की सराहना करता हूं। हम मानवता के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसे में इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं कि आखिर आदित्य L1 क्या है, इसे जिस हेलो ऑर्बिट पॉइंट पर पहुंचाया गया है वह क्या होता है और सूर्य का अध्ययन लैग्रेंजियन बिंदु से ही क्यों किया जाता है। बता दें कि L1 का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट 1। यह सूर्य और पृथ्वी के बीच का वह सटीक स्थान है जहां सूरज और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस होता है, जिसके कारण यहां किसी भी ऑब्जेक्ट को रखने पर वह बड़ी आसानी से वहां सटीक रहता है। बता दें कि धरती और सूरज के बीच 5 तरह के 5 पॉइंट होते हैं। इन्हीं 5 पॉइंट में से एक को लैग्रेंज पॉइंट 1 कहा जाता है। भारत के सूर्ययान को इसी लैग्रेंज पॉइंट 1 में स्थापित किया गया है। ये पॉइंट पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी कि 15 लाख किलोमीटर दूर है। अब सूर्ययान के L1 पॉइंट पर पहुंच जाने के बाद सैटेलाइट बिना किसी रुकावट के लगातार सूर्य को देख पाएगा। यह मिशन भारत का है और क्योंकि भारत में सूर्य को आदित्य भी कहते हैं, इसीलिए इस मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया है। इसरो का कहना है कि जहाज पर लगे कुछ उपकरणों ने L1 पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही डेटा इकट्ठा करना और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया है। सूर्ययान के उड़ान भरने के कुछ ही दिनों बाद इसरो ने मिशन द्वारा भेजी गई पहली तस्वीरें साझा की थी। एक तस्वीर में पृथ्वी और चंद्रमा को दिखाया गया था और दूसरी तस्वीर सेल्फी थी, जिसमें इसरो 2 इंस्ट्रूमेंट दिखाई दिए गए थे।